हेलो बच्चा पार्टी। सो आज हम आपके क्लास वन इंग्लिश यूनिट 5 चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है मोहिनी और उसकी जो दादी, उसकी जो ग्रैंड मदर थी, वो दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं, क्या क्या वो ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में ये जो पूरी कहानी है। और ये जो हमारी मोहिनी है वो अपने ग्रैंड मदर से क्या सीखती है, क्या लर्न करती है, ये सारी चीज़ हम आज ये कहानी में देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई होप आपको पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन अवर स्टोरी विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो हियर वी गो। वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन क्या हुआ, मोहिनी थी अपनी जो दादी है उसके साथ वहां पे बैठी थी। ग्रैंड मदर ड्रू अ सर्कल। तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, सर्कल को ड्रॉ किया। अब यू नो सर्कल क्या होता है, सर्कल राउंड शेप होता है। राउंड शेप आपने हर जगह देखा होगा, बॉल देखा है, बॉल का शेप भी राउंड होता है, सन का शेप भी राउंड होता है। तो जो हमारी ग्रैंड मदर हैं उन्होंने सर्कल ड्रॉ किया, और जैसे ही ग्रैंड मदर ने सर्कल ड्रॉ किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनो, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल मोहिनी। उन्होंने मोहिनी को बताया कि मोहिनी क्या तुम सर्कल ड्रॉ कर सकती हो। तो मोहिनी ने तुरंत आंसर दिया, सोचो क्या आंसर दिया होगा, ये दिया आंसर, यस आई कैन। सून मोहिनी ड्रू द सर्कल। मोहिनी ने बोला क्यों नहीं, मैं ड्रॉ कर सकती हूं। तो मोहिनी ने थोड़ी देर में क्या किया, वो सर्कल को ड्रॉ कर दिया। तो यहां पे ये पैराग्राफ में हमने देखा सर्कल, तो सर्कल का मतलब होता है अराउंड शेप, जिसे गोलाकार भी बोलते हैं। ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी, मतलब क्या होता है, मदर ऑफ वंस फादर। ओके, आगे देखते हैं सेकंड पैरा। नाउ आई विल ड्रॉ अ बॉल। ग्रैंड मदर ड्रू 3 लाइंस ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, उन्होंने जो सर्कल ड्रॉ किया था उसके ऊपर दादी ने बोला कि अब इसके ऊपर मैं 3 लाइंस ड्रॉ करूंगी। ओके, मोहिनी ड्रू 3 लाइंस ऑन हर सर्कल। तो मोहिनी ने सेम चीज की, उसने भी दादी माँ को देख के उसने भी अपने सर्कल पे 3 लाइंस ड्रॉ कर दी। इट रियली लुक्ड लाइक अ बॉल। अब ये कैसा लग रहा था, सर्कल था, सर्कल के ऊपर हमने 3 लाइंस उन्होंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी, तो ये जो ड्रॉ करने के बाद वो सर्कल कैसा लग रहा था, बॉल जैसा लग रहा था। अब व्हाट इज बॉल, आपको पता ही है कि बॉल क्या होता है, राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट टू प्ले। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तब हम बॉल यूज करते हैं, वो बॉल की बात की जा रही है। नाउ लेट्स ड्रॉ अ बलून। अब जो ग्रैंड मदर है उन्होंने बोला कि चलो अब हम क्या ड्रॉ करते हैं, बलून को ड्रॉ करते हैं। ग्रैंड मदर एडेड अ zigzag लाइन्स टू दिस। उन्होंने वहां पे 3 लाइन्स थी उसके अंदर zigzag लाइन एड कर दी। तो यहाँ पे देखो लाइन्स क्या होता है, अलॉन्ग थिन मार्क होता है। ओके, उसके बाद जो बलून होता है अराउंड टॉय टू प्ले, बलून आपने देखा होगा जो गुब्बारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बलून बोलते हैं। zigzag का मतलब क्या होता है, नॉट इन अ स्ट्रेट मैनर, जो स्ट्रेट लाइन होती नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती है वो होती है zigzag। आगे देखो होता क्या है, उन्होंने ग्रैंड मदर ने वो लाइंस है zigzag वाले वो ऐड कर दी है, वो सर्कल शेप था, उसके बाद उन्होंने बॉल बना दिया जस्ट 3 लाइंस ऐड करके, और उसके ऊपर उन्होंने zigzag टेढ़ी मेढ़ी रेखा है उन्होंने वहां पे ड्रॉ कर दी। ओह, इट्स रियली लुक लाइक अ बलून। मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय। मोहिनी ने जैसे ही देखा कि वाह ये तो बलून जैसा लग रहा है, तो मोहिनी ने क्लैप्ड मीन्स क्या होता है, स्ट्रक पाम्स टुगेदर मतलब कि तालियां बजाई, जॉय मतलब क्या होता है, खुशी के साथ उन्होंने तालियां बजाई, हैप्पीनेस के साथ। किसने बजाई, याद रखना, मोहिनी।
मोहिनी ड्रू मैनी सर्कल्स, बिग एंड स्मॉल सर्कल्स, रेड ब्लू ग्रीन एंड येलो सर्कल्स, शी ऑल्सो एडेड ज़िगज़ैग्स लाइन टू दिस। अब इसके बाद मोहिनी ने देखा कि बहुत सारे उसने सर्कल बना दिए, सर्कल के अंदर अलग अलग उन्होंने कलर्स फिल किए और उसके बाद बहुत सारे उसने ज़िगज़ैग लाइंस भी उसके साथ ऐड कर दी। एंड नाउ देयर वर मैनी बलून्स, और अब बहुत सारे बलून्स उसको दिख रहे अपने सामने ड्रॉ किए हुए। उसके बाद जो ग्रैंड मदर है, जो दादी है, उन्होंने पूछा मोहिनी को, कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विथ सर्कल, पूछा कि क्या तुम सर्कल के साथ और भी कोई चीज़ ड्रॉ कर सकती हो क्या? तो मोहिनी ने बोला, यस राइट मोहिनी। मोहिनी ने बोला, क्यों नहीं, अब मैं कर सकती हूँ। फिर क्या हुआ, शी ड्रू अ व्हील, अ मून, अ सन, अ रैबिट एंड हर ऑन फेस। उसने उसके बाद सर्कल ड्रॉ करके उसके अंदर उसने व्हील ड्रॉ किया, मून बनाया, फिर सन ड्रॉ किया, मून ड्रॉ किया, रैबिट का फेस ड्रॉ किया और खुद का भी उसने जो फेस था वो ड्रॉ किया। तो इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी है यहाँ पे ख़त्म होती है। और स्टोरी में हमने क्या सीखा कि एक सर्कल में से हम बहुत सारी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं वो आपने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा। अगर आपके माइंड में और भी कोई आइडिया है कि सर मैं सर्कल ड्रॉ करके वो कोई और चीज़ मैं बना सकता हूँ, कोई और चीज़ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इन द सर्कल, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यस मैं ये ड्रॉ किया। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।